दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे पॉलिटी यूट्यूब चैनल प्रदीप पॉलिटी में एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे चिक्स का 7वां दिन है। आइए आज के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको फार्मर कॉपी दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारी इस हफ्ते में कितनी मोर्टैलिटी हुई है। तो कृपया हमारे वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये रही हमारी फार्मर कॉपी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में टोटल 3264 चिक्स पड़े थे और अभी तक यानी फर्स्ट वीक की मोर्टैलिटी जो है 22 मोर्टैलिटी टोटल हुई है पहले सप्ताह में। क्योंकि आज हमारी पॉल्ट्री का 7वां दिन है तो चिक्स जो है खुद ही गर्मी पैदा करने लगे हैं, तो इस वजह से आज अभी तक हमने कोई भी भट्टी नहीं जलाई है और बिना भट्टी जलाए ही हमारी ब्रूडिंग एरिया का टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं 87 डिग्री फारेनहाइट हो चुका है। अतः हमने कोई भट्टी नहीं जलाई है और रात के लिए हमने एक भट्टी भर कर रख ली है, टेम्परेचर डाउन होने पर उसे हम जलाएंगे। दोस्तों चूजों के वज़न की बात की जाए तो 7 दिन कंप्लीट होने पर हमारे चूजों का वज़न जो है 175 ग्राम का हो चुका है। आज ही वेट किया गया था, 175 ग्राम के हमारे चूजे हो चुके हैं। और मेडिसिन की बात की जाए तो आज सुबह इन्हें हमने कॉसबैक दिया है, जिसकी मात्रा जो है 20 ग्राम प्रति हज़ार बर्ड्स के हिसाब से देते हैं, यानी कि 3264 बर्ड इस लॉट में मेरे आए थे और 22 मोर्टैलिटी हो चुकी है अभी तक। अभी मैंने आपको दिखाया था 22 मोर्टैलिटी हो चुकी है, जैसा कि हम दोबारा दिखा देते हैं आपको, तो हम मानकर चलते हैं कि लगभग हमारे जो है 3242 चिक्स बचे हुए हैं। तो हमने इनको 60 ग्राम कॉसबैक दिया था पानी के साथ। कॉसबैक क्या करता है? कॉसबैक देने से बर्ड्स की इम्यूनिटी जो है मजबूत हो जाती है। तो कॉसबैक मैंने पिछली लॉट में भी दिया था, आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था, क्योंकि कॉसबैक जो है हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम वही कॉसबैक चलाते हैं और जिससे चिक्स की इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो जाती है और इनमें बीमारियां होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है और उसके साथ साथ इनमें वेरिएशन नहीं आता है। कॉसबैक देने से काफ़ी हद तक वेरिएशन को रोका जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारे चिक्स बहुत ही आराम से फीड खा रहे हैं और टहल रहे हैं। ये देखिए फार्म का टेम्परेचर भी 87 डिग्री फारेनहाइट है, जो कि नॉर्मल है और बिना भट्टी जलाए टेम्परेचर मेंटेन है। हालांकि अभी रात में टेम्परेचर गिरेगा तो हमने अलग से एक भट्टी की व्यवस्था कर ली है। हालांकि भट्टियां तो अभी हमारे ब्रूडिंग एरिया में 4 लगी हुई हैं, लेकिन अब हम कल 2 भट्टी निकाल देंगे, क्योंकि अब रात में केवल एक भट्टी जलाने से ही काम चल सकता है और टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, इसलिए बाकी भट्टियों को हम बाहर निकाल देंगे। ये है आज 6वें दिन के मैनेजमेंट की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।